लीकेज कंडीशन यानी हाफ शॉर्टिंग जिसको आप बोलते हैं, कोई लोग हाफ शॉर्टिंग भी बोलता है, कोई उसको लीकेज कंडीशन भी बोलता है। यानी हाफ शॉर्टिंग को कैसे हम रिमूव करेंगे वो आज की वीडियो में बताएंगे। हाफ शॉर्टिंग होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। हाफ शॉर्टिंग जैसे कि हम लोग कंडीशन जो चेक करते हैं, कंडीशन चेक करने का तरीका बता चुके हैं। मोबाइल का कंडीशन चार कंडीशन होता है, ओके कंडीशन, शॉर्टिंग कंडीशन और लीकेज कंडीशन और ओपन कंडीशन। ओके कंडीशन बता चुके हैं, शॉर्टिंग भी हम बता चुके हैं, लीकेज कंडीशन। तो लीकेज कंडीशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाफ शॉर्टिंग को कैसे हम, हाफ शॉर्टिंग वाले फॉल्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। तो हाफ शॉर्टिंग कैसे हम फाइंड करेंगे कि हाफ शॉर्टिंग कौन सा होता है नहीं होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, जहां पे आप बैटरी लगाते हैं वहां पे तीन पिन होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, बीच वाला BSI पिन होता है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर में दो वायर होता है, एक पॉजिटिव होता है, रेड वायर होता है और एक ब्लैक वायर होता है। तो मान लीजिए ये रेड वायर हो गया और ये ब्लैक वायर हो गया, तो लीकेज कंडीशन यानी हाफ शॉर्टिंग को चेक कीजिएगा तो दोनों साइड वैल्यू शो करेगा। दोनों साइड क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ओके कंडीशन में वन साइड वैल्यू आएगा, वन साइड नहीं आएगा। अगर लीकेज कंडीशन में दोनों साइड वैल्यू आएगा तो लीकेज कंडीशन कहलाता है, यानी हाफ शॉर्टिंग। हाफ शॉर्टिंग में आपका बैटरी ड्रिंकिंग होगी, यानी बैटरी की खपत अधिक होगी और उसके बाद सेट हीट भी होगा, बैटरी बैकअप नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्ट इस फॉल्ट से रिलेटेड फॉल्ट है। तो रेड वायर को हम पॉजिटिव पिन पर रखेंगे और ब्लैक वायर से हम निगेटिव पिन पर रखेंगे। इस तरह रखने पर जो रीडिंग आया, जैसे मान लीजिए 650 रीडिंग आ गया, कितना आया 650। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिएगा। मल्टीमीटर को कहाँ पर सेट कीजिएगा, कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिएगा, यानी बजर पॉइंट, डायोड मोड, बजर पॉइंट पर सेट करके रेड वायर पॉजिटिव पर, ब्लैक वायर निगेटिव पर टच करने पर जो वैल्यू आया, जो रीडिंग आया वो आपका लीकेज वैल्यू कहा रहा था। जैसे कि 650 हमने एग्जाम्पल दिया, 650। अब ये 650 जो लीकेज वैल्यू है, इस कंडीशन में सेट ऑन भी रहता है ऑफ भी रहता है। अगर सेट ऑन होगा तो बैटरी की खपत अधिक होगी। अगर यही लीकेज वैल्यू मेरा 1000 हो जाए, 1000 1000, तो बैटरी की बैकअप कम खपत होगी। जितना वैल्यू कम होगा उतनी बैकअप अधिक, जितनी वैल्यू कम होगा उतना बैटरी की खपत अधिक होगी और जितना वैल्यू अधिक होगा उतना बैटरी की खपत कम होगी। ठीक है, तो अगर 650 मेरा लीकेज है तो इस कंडीशन में सेट ऑन भी होगा ऑफ भी होगा। तो अगर ऑन होगा तो बैटरी की खपत अधिक होगी होगी। तो इस फॉल्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो करना क्या है, आपको सेट को प्रॉपर खोल देना है, बोर्ड को निकाल लेना है प्रॉपर, जैसे हम लोग निकालते हैं बोर्ड को इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, दोनों बोर्ड इस तरीके से निकाल के करना क्या है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है। याद रहे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है। और लीकेज, एक मिनट बताने पहले, लीकेज वैल्यू अगर 1000 से बव है, 800 से बव, तो हम ओके कंडीशन मान के भी काम कर सकते हैं। 1000 के ऊपर लीकेज वैल्यू है तो, अगर 1000 से कम है, 600 है, 700 है, 400 है, 300 है, तो उसको हम लीकेज वैल्यू को हाई करेंगे, यानी लीकेज वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी 1600 1700 करेंगे, या लीकेज वैल्यू को पूरा जीरो कर देंगे। हाफ शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग हटाने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिएगा और रेड वायर को पॉजिटिव पिन पर टच कीजिएगा। कहाँ पर टच कीजिएगा, पॉजिटिव पिन से। और जो ब्लैक वायर होता है, अब पॉजिटिव पिन से जो सप्लाई मेरा आउट हो रहा है, पॉजिटिव पिन से जो सप्लाई जा रहा है एमसी ट्रैक में, जो एक साइड से मेरा, जैसे एग्जांपल ये सप्लाई मेरा जा रहा है पॉजिटिव से, ये सप्लाई में जा रहा है, ये सप्लाई में एनपीसी एक लगा देते हैं, एक और एनपीसी लगा देते हैं, ये सप्लाई आउट आउट हो जाता है, एक यहाँ पे एनपीसी लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, ये जो भी चार एनपीसी लगा है पैरेलल में लगा है। तो कहने का मतलब, रेड वायर को पॉजिटिव पिन पर रखेंगे, ब्लैक वायर से चेक करेंगे ये कंपोनेंट एक साइड से बीप देगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो बीप आएगा, क्या आएगा,
बी पहले। अब दूसरे साइड हम जो चेक करेंगे इधर, तो लीकेज वैल्यू कितना था 650, ये इधर लाएगा 650 वैल्यू आएगा। एक साइड ड्रिप दिया, एक साइड लीकेज वैल्यू दिया, तो इस कंपोनेंट को हम रिमूव करेंगे, जो एक साइड से ड्रिप दे और एक साइड से लीकेज वैल्यू दे, उस कंपोनेंट को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने पर अगर लीकेज वैल्यू 700 हो गया, ये 800 हो गया, ये 850 हो गया, तो इस कंपोनेंट को हटा देंगे, क्योंकि वो लीकेज था जिसके कारण आपका लीकेज वैल्यू कम किया था, ठीक है, उसको हटा देंगे। हटाने पर अगर इसको रिमूव किए, रिमूव करने के बाद भी मेरा 650 से 650 है, तो ये कंपोनेंट सही है, वापस उसको फिर वही जगह लगा दीजिए। इस तरह सभी को करना है स्टेप बाई स्टेप, जितना एमएससी ट्रैक में होगा सबको करना है। सबको करने पर अगर सबको करने पर फॉल्ट सॉल्व हो गया एलिजिबल, अगर नहीं हुआ तो फिर हम आईसी के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टाइम पीएफओ आईसी को निकाल के चेक करेंगे, लाइट आईसी के पास होता है लाइट आईसी को देखेंगे, फिर वाईफाई आईसी को देखेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सब आईसी को हम रिमूव करेंगे। कब? इस तरह। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड, हम सेल को प्रॉपर खोल के उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने पर जहां पे मेरा लीकेज होगा, हाफ शॉर्टिंग होगा, वो सेक्शन मेरा हीट होगा। बैटरी लगाने पर यानी सेट में सप्लाई देने पर आपका जहां पे बोर्ड में शॉर्टिंग होगा या लीकेज होगा, वहां पे वो सेक्शन हीट होगा। हीट होगा तो आप इजी वे चेक कर सकते हैं जहां पे आपको ये सेक्शन हीट हो रहा है, अब इस सेक्शन में जो भी कॉम्पोनेंट है आईसी है, उसी आईसी का फॉल्ट होगा। तो उस आईसी को रिपेयर करने से पहले आप उसके आसपास जो कंपोनेंट है उसको चेक कीजिए, अगर वो आसपास वाले कंपोनेंट सही है तो फिर आईसी को रिमूव करके चेक करना होगा। इस तरह करने से आपका हाफ शॉर्टिंग जो है इजी वे रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम बोर्ड के ऊपर भी एक दो हम चेक करके बता दें कैसे चेक किया जाता है, कैसे लीकेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं एक इनको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे यहाँ मोबाइल की कंप्लीट कोर्स कराई जाती है, जो कि चिप लेवल के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है, दोनों आपको मिलेगा। सिंपल फोन से लेके यानी बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन और टैबलेट के लिए भी, सबको ए टू जेड जो भी मोबाइल है और ब्रांड, सभी ब्रांड के लिए, आईफोन हो गया, एचटीसी होगा, ब्लैकबेरी होगा, सैमसंग हो गया, जो भी मोबाइल है, जो भी कंपनी लॉन्च करती है, सभी मोबाइल के बारे में आपको बनाने का तरीका हम बताते हैं चिप लेवल के माध्यम से। जो भी कोर्स है कंप्लीट कोर्स है, मोबाइल के अलावा भी हमारे यहाँ आपको लैपटॉप का कोर्स मिलेगा, टीवी का मिलेगा, जो कि आज के डेट में लेटेस्ट है टीवी, एलसीडी एलईडी टीवी। देखते हुए एलसीडी एलईडी का टीवी बहुत टेक्निक से कम मिलेंगे, तो एलसीडी एलईडी का भी जो हम लोग का कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स है। उसके बाद लैपटॉप का भी है, डेस्कटॉप का भी है, उसके साथ साथ आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग का भी है, ठीक है। अभी हम लोग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं मार्च में, बीजीए यानी आपको ओसीएम मशीन का ट्रेनिंग देंगे आपको, और बीजीए बूट रिपेयरिंग का भी ट्रेनिंग देंगे। बहुत ऐसा फोन होता है जो कंप्यूटर से बूट नहीं करता, हार्डवेयर सब ओके फिर भी बूट नहीं करता, उस फॉल्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बूटिंग कराएंगे, यानी उसको बूट रिपेयर बोलते हैं। तो बूट रिपेयर कैसे करेंगे वो आपको, उसका ट्रेनिंग आपको मार्च में इन हो जाएगा स्टार्ट। ओसीए का ट्रेनिंग है वो भी मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। रिबॉलिंग का है, कोई आईसी डैमेज हो गया, वो आईसी मिलता नहीं है, जो कि फोन हम सेट को हमेशा के लिए स्क्रैप में डाल देते हैं बट उसको अब डालना नहीं है, उसका भी आ गया समाधान सोल्यूशन। जो आईसी फॉल्ट खराब है उस आईसी को हम बना सकते हैं, बनाने के लिए मशीन आता है, मशीन के माध्यम से उसको हम बनाएंगे, जो कि मार्च में हम लोग का एक कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। अगर अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 97 करके, उस नंबर पे कॉल कीजिए और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर अभी काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, अधूरा काम करते हैं, या कोई फोन आपके पास आता है जो आप देख लेते हैं, जो आपसे होने वाला वो करते हैं, जो नहीं होता वो आप अगले टेक्नीशियन के पास जाते हैं, वो टेक्नीशियन क्या करता है, जहाँ कस्टमर से आप 200 रुपया ले रहे हैं वो 100 रुपया लेता है और ठीक करके देता है, आपको कितना बेनिफिट हुआ 100 रुपया है, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं कि 100 उसको ना दे के हम प्रॉपर 200 हम ही ले, वो ज्ञान लेना चाहते हैं, उस तरह का टेक्निक, उस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टीट्यूट में यानी मेरे कंपनी में आइए। मेरे कंपनी का नाम है एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ आपके आके 2 दिन डेमो क्लास भी कर सकते हैं, डेमो क्लास का कोई फी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, करके आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड के ऊपर आपको बता देते हैं इंस्टीट्यूट कैसे चेक किया जाता है, कैसे लिखे। देखिए तो वो बता दिए थे थ्योरी, बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। 2 स्मार्टफोन का बोर्ड है हम लोग हमारे पास, ठीक है, दोनों सैमसंग का ही बोर्ड है। इसमें लीकेज वैल्यू चेक करना है। कैसे लीकेज वैल्यू? तो वो मल्टीमीटर को, ये मल्टीमीटर का 2 प्रोब हो गया, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर दिए हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बोर्ड का दोनों कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो कंडीशन चेक करने के लिए कहीं से कहीं वायर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम जैसे हमने रखा, ऐसे ऐसे रखने पर कितना रीडिंग आया? 296, 296। फिर वायर को चेंज किया, हम वायर को क्या किए? चेंज किए, वायर को चेंज किए तो कितना आया? 285 समथिंग। इसको चेक किए, इसको चेक किए, एक साइड 800 के करीब, दूसरे साइड से चेक किए तो कितना आया? 300 के करीब। तो यानी जो ये, तो अब ग्राउंड सप्लाई देखिए, ये ग्राउंड होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसमें भी ये ग्राउंड होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये ग्राउंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव आपको पहले भी बता चुके हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव चेक करने पर जो रीडिंग आएगा वो आपका लीकेज वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव चेक करने पर मेरा लीकेज वैल्यू आ रहा है कितना इस बोर्ड में? 837। तो क्या करेंगे, रेड वायर को हम पॉजिटिव पिन पे ही रखेंगे। क्या रखेंगे? रेड वायर को पॉजिटिव पिन पे ही रखेंगे। ब्लैक वायर से हम सभी सेक्शन को चेक करेंगे। जो कंपोनेंट एक साइड से देखिए ये बीप दे रहा है, पीएफओ सेक्शन है नेटवर्क सेक्शन के पास, ये एक साइड से क्या दिया? बीप दिया, और दूसरे साइड से लीकेज वैल्यू दिया। तो इस कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप, सभी कंपोनेंट को, जो भी इस तरह का सर बीप दे रहा है, सभी कंपोनेंट को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने पर ये हट जाएगा, ठीक है। और ये तरीका नहीं तो बैटरी लगा के सप्लाई चेक कीजिए, हट जाएगा। और दूसरा लीकेज वैल्यू, अगर दोनों साइड चेक करने पर दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रहा है, यानी 100 100, 50 50, 150 150, दोनों साइड से सेम वैल्यू आ रहा है, तो वो सेटअप बहुत कम ही रिपेयर होता है, बहुत कम परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाफ शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं इजी वे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और अगर आप इच्छुक हैं कम कोर्स करना चाहते हैं, मोबाइल का या लैपटॉप का या डेस्कटॉप का या एलसीडी एलईडी टीवी का या हार्डवेयर नेटवर्किंग का या ओसीए ट्रेनिंग चाहिए, बूट रिपेयरिंग चाहिए कुछ भी, तो ओसीए ट्रेनिंग के लिए, बूट रिपेयरिंग के लिए हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अगर मोबाइल का पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हमारे यहाँ आइए जरूर एक बार, ठीक है। एक बार आके अगर कोर्स एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, मेरे संस्था को विजिट कीजिए, पहले देखिए किस तरह का मेरा संस्था है, व्यवस्था है, किस तरह का हमारे यहाँ फैकल्टी लोग हैं, किस तरह का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। सारा व्यवस्था देखिए, उसके बाद आपको अगर समझ में आए तो फिर एडमिशन लेके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले वो ये बोले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए तो आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।